not a bike. This is a heritage. This bike का तो मजा आता है. This bike पे it's awesome. मुंडे बड़े stand लग गए हों देखे. मुझे इस bike के काम करने में बहुत मजा आता है. It's easy to handle, easy to ride. बुलेट की ऐसा है कि जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री ये है कि बुलेट की जो स्टार्टिंग हुई थी वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसकी स्टार्टिंग हुई थी और ये बहुत एक टफ़ बाइक बनाई गई थी कि जहाँ पे वॉर में जहाँ पे सोल्जर्स नहीं पहुँच सकते वो बाइक से रॉयल इनफील्ड बाइक से पहुँचते थे और ये बहुत सक्सेसफुल रही थी अपने टाइम में और उसके बाद फिर इसका सेल सिविलियंस के लिए स्टार्ट हुई तो इसका जो नाम है रॉयल इनफील्ड सो इनफील्ड इज़ अ नेम ऑफ प्लेस इन यूके एंड रॉयल एक उनका एक टैग हमेशा ही लगता है तो रॉयल इनफील्ड एक नाम हुआ I'm such a big fan of Royal Enfield. अगर मेरे पास से भी चले जाना द म्यूजिक ऑफ थम्प डग 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 इट्स लाइक दिस म्यूजिक कहीं भी अगर गाड़ी से जा रहा हूँ अगर कहीं से भी एनफील्ड चली जाए और आवाज़ आ रही हो मुझे थम्प आई कैन हियर द थम्प शीशा खोल के हाँ जी सुनना है देखो ओ बुलेट जा रही है वो देखो ओ बुलेट जा रही है वहाँ से बुलेट गई है यहाँ से बुलेट गई है देयर इज अ सेइंग इफ यू डोंट लुक इट बैक यू गॉट द रॉन्ग वन अगर आपने बाइक खड़ी करके जाते वक्त पीछे मुड़ के नहीं देखा ना तो आपने गलत चीज़ खरीद ली उन्नीस सौ चौहत्तर च मैं मोटरसाइकिल का बुलेट का काम शुरू किया शौक तो मैंने बचपन तो ही बुलेट का ही बचपन तो ही मैं बार्डर से रहने वाला डिस्ट्रिक्ट अमृतसर मेरा डेरा बाबा नानक पिंड है उत्थे बुलेट तो शुरू तो वेखते बार्डर से वेखते आए तो बुलेट बचपन तो लैके तो मैं फंक्शन तक शौक अभी मैं अभी तक बुलेट चला रहा बुलेट तो मैं रोज़ जाना अपने घर जाना तैयार होकर फर्स्ट क्लास अपने कपड़े पा टोर ना जाना ला रिवाल्वर ला के फर्स्ट क्लास जाना अपने अज तक मेरी जन फोटो रखी जाना जी फिट रखे I finished my finished up with my college and मैं पंजाब में था I got the craze of bullet bike from that area. मतलब बंदा निकलता था पूरा पगड़ी वगड़ी डाले हुए कुर्ता पजामा और बाइक निकलती थी दुक 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 दैट वाज द फील आई यूज्ड टू हैव और उसके बाद आफ्टर कॉलेज आई वर्कड फॉर अराउंड वन एंड हाफ ईयर और उसके बाद जितना मेरा सेविंग्स का निकला है अपार्ट फ्रॉम माय एक्सपेंसेस आई स्पेंट ऑल इट ऑन माय बाइक बिकॉज दिस इज़ अ हैवी अफेयर आप इतने में दो पल्सर खरीद सकते हैं जितने में आपकी एक एनफील्ड आती है डेजर्ट स्टॉर्म सो दिस इज़ अ बाइक विच आई बॉट फ्रॉम ऑल स्पेंडिंग ऑल माई सेविंग्स एंड उसके बाद The feel I have while riding the bullet, or I drive it daily. इसको मैंने कोई exotic के लिए नहीं रखा कि I take it for a weekend drive or long touring or like that. But इसको मैं daily drive करता हूँ ताकि मैं इसका feel ले सकूँ पूरा every day I drive it. Bullet मैं जो लेती थी 11 साल पहले. मेरे दादा कौन सी, मेरे daddy कौन सी, ते मेरे कौन भी सी, ते हूँ मैं चाहता कि मेरा बच्चा भी बुलेट चलावे तो इनू इन्ना शौक हैगा जी बुलेट का यह इन्ना इन चाहता है बुलेट न हमारे पास पांच सेंसेस हैं उसमें से दो प्रोमिनेंट सेंसेस है ना वो है आईज और ईयर्स और इस बाइक को देखने के बाद ना वो दोनों चीज़ें फुलफिल हो जाती हैं पिंग वॉइस की वजह से आपका मैं आपको सच बताऊं जो मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरा तो ब्लड प्रेशर बिल्कुल मेंटेन रहता है जब मैं रॉयल इनफील्ड यूज़ करता हूं और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि कोई हाइपरटेंशन या किसी तरह का लाइफ में कंफ्यूजन हो तो करना ये चाहिए कि बंदा किक मारे और टूर पर निकल जाए रॉयल इनफील्ड के
सो ही विल बी परफेक्टली ऑल राइट. कहीं डॉक्टर के पास जाने की या हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है. तो लाइफ के सारे वरीज जो है ना वो रॉयल इनफील्ड की बाइक पे बाइकिंग करने से वो ख़त्म हो जाते हैं. इसमें बहुत ट्रैवलिंग करी है, बहुत टूरिंग करी है. आई बीन टू माना पास, लाइक इज वन ऑफ द टफेस्ट टेरेन इन इंडिया. वहाँ पर सड़कें भी नहीं थी. 53 किलोमीटर्स, इतने बड़े बोल्डर्स थे, इतने बड़े बड़े पत्थर थे, उस पर लेके गया मैं उसको. और वहाँ भी इस लाइक कोई ब्रेक डाउन नहीं थे, एकदम सही चली. और सारे क्लाइमेट्स में ऐप मैंने सिर्फ बर्फ में चलाया, इतने इतने भरे पानी में चलाया. इट वॉज परफेक्टली फाइन. आई हैव डन लद्दाख, आई हैव डन एंटायर कश्मीर, द कम्प्लीट सर्किट ऑफ हिमालयस, आई हैव डन शिवालिक्स ऑन दिस बाइक ओनली. हम लोग माना पास गए थे. इज़ दी हाइएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड. आर्मी से परमिशन लेके हम लोग जी 11 लोग गए थे माना पास. इट्स 18,399 फीट अबव द सी लेवल. सो हमारा नाम फिर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आया. सर्टिफिकेट भी मिला हम लोगों को कि वी होल्ड द रिकॉर्ड ऑफ गोइंग टू द हाइएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड ऑन एनफील्ड. वी आर द फर्स्ट सिविलियन टू गो देयर ऑन मोटर बाइक एंड विच द बाइक वॉज रॉयल एनफील्ड. मैंने मेरा साथ बहुत ज़्यादा निभाया. मैं इनू लेके मैं लेह लद्दाख गया सी, मैं शिमला गया सी, इनू लेके मैं मनाली भी गया सी. तो पूरा पूरा साथ निभाया ने, कभी मैंने दुख नहीं दिता. लोग ये कहते हैं भाई आप लोग जो है सिर्फ रॉयल इनफील्ड में क्यों इसको प्रमोट करते हैं. देखिए ऐसा है कि रॉयल इनफील्ड बाइक जो है उससे ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी और किसी बाइक में नहीं है, उससे ज़्यादा बैलेंस जो है वो किसी बाइक में नहीं है. अगर आपने इसका छोटा सा एग्जांपल देखना हो तो आप 26 जनवरी में आप देख लिया करो कि रॉयल इनफील्ड में उसका बैलेंस इतना अच्छा है कि उसमें इतने ज़्यादा वो समझ लो जो एक तो चैलेंज वो एक्सेप्ट करते हैं कि 20-20 लोग तीन तीन बाइक्स पे वो कंटिन्यू परेड के आगे निकलते हैं तो पूरा नेशन उस वक्त उस पर प्राउड करता है. सिर्फ बुलेट ही कामयाब हुई है सिर्फ इंडिया में. पहले जावा मोटरसाइकिल आई वो कामयाब नहीं हुई, राजदूत मोटरसाइकिल आई वो कामयाब नहीं हुई. बुलेट च बहुत खासियत ने, बुलेट का कंट्रोल बहुत वधिया, ब्रेक बड़ी वधिया, इसके गेयरों का कंट्रोल आ एकदम मैं नहीं रोक सकने 70-80 की स्पीड से एकदम वहीं रुक जाती है. लोग साला बहुत फालतू बोलते हैं कि बुलेट की आवाज़ है, शोर करती है, ये है वो है, मगर हमसे पूछो कि जब आवाज़ निकलती है ना हमारे कानों को नहीं लगती, ये दिल तक धक धक ऐसे पहुंचती है. इतना मज़ा आता ना इस बाइक को चलाकर. बुलेट की टॉर इतनी ज़्यादा है, एक तो कुड़ियाँ देख दी हैं तो वो मैं एक्सपीरियंस कर चुका अपने टाइम में. जब इस पे बैठो ना अपने आप एक लेगेसी रॉयलनेस की फीलिंग आती है, मतलब लगता है कि यू आर किंग ऑफ द रोड. मेरी 66 60 साल का मैं चला, मैं बुलेट का काम कर रहा जी, जब तक मेरे दम है बुलेट का काम करूंगा. I'll not let this die. I'll restore this and have a safe ride. So I am enjoying my life with Royal Enfield. I am in love with this bike. Aur ye jo bike hai, it will go till I die. इस पे बैठे हो आपको ठीक है, मैं बाइक है ठीक चल रही है तो हम चल रहे हैं, अगर ये खराब सब खराब.
ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਾਂਗਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਆਈ ਲਵ ਬਲੇ।